Good morning, student. Today I am going to tell you the largest and the smallest digit, how to form a largest digit and how to write the smallest digit. अब ये आपका क्लास फिफ्थ का एक्सरसाइज है 1.1 क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 वी हैव ऑलरेडी डन एंड दिस इज क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन इज राइट द फॉलोइंग नंबर, द सेवन डिजिट लार्जेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट डिजिट नंबर. तो सबसे पहले इनको सॉल्व करने के पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड हाउ टू राइट द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट डिजिट. ओके, तो अब फिफ्थ क्लास में हम लोगों ने फिफ्थ क्लास में आने से पहले फोर्थ क्लास में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि किस तरह से लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट डिजिट नंबर को लिखते हैं. अगर हमको लिखना है, यहाँ पे हम लिखेंगे स्मॉलेस्ट, यहाँ पे हम लिखेंगे लार्जेस्ट. ओके, अब हम देखिए कैसे डिफरेंट डिफरेंट डिजिट को यूज करते हुए स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट डिजिट्स को लिखते हैं. ठीक है, तो अगर हमको लिखना है टू डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है, तो फॉर राइटिंग द टू डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर हमें ये देखना है कि टू डिजिट जहां से स्टार्ट होती है दैट इज द स्मॉलेस्ट नंबर और जहां पे एंड होती है दैट इज द लार्जेस्ट नंबर. तो टू डिजिट स्टार्ट होती है हमारा जब हम लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक होता है हमारा सिंगल डिजिट. 10 से स्टार्ट होती है हमारी टू डिजिट, तो 10 इज द स्मॉलेस्ट टू डिजिट नंबर. अगर हमसे पूछा जाता है कि टू डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है तो दैट इज 10. और 99 तक जब टू डिजिट हमारी चलती है तो 99 तक चलती है, उसके बाद 99 के बाद आता है 100, दैट इज अ थ्री डिजिट नंबर. ओके, तो थ्री डिजिट जहां से स्टार्ट होती है वो उसका स्मॉलेस्ट नंबर होता है और जहां पे एंड होती है वो उसका लार्जेस्ट नंबर होता है. तो स्मॉलेस्ट टू डिजिट नंबर इज 10 एंड लार्जेस्ट टू डिजिट नंबर इज 99. देन अगेन स्मॉलेस्ट थ्री डिजिट नंबर दैट इज 100 एंड लार्जेस्ट क्या होगा 999. ओके, फोर डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा दैट इज 1000 और यहां पे क्या होगा 4 times 9. अच्छा, इसका एक और इजी वे होता है कि अगर हमें नहीं आ रहा है समझ में तो हमें इतना ध्यान रखना है कि अगर हमसे जितने भी डिजिट का लार्जेस्ट नंबर पूछा जा रहा है, अगर हमसे 6 डिजिट का पूछा जा रहा है, 4 डिजिट का पूछा जा रहा है, 5 डिजिट का पूछा जा रहा है, तो जितने भी डिजिट का हमें लार्जेस्ट नंबर पूछा जा रहा है उतने टाइम नाइन्स को लिख देंगे. अगर हमसे पूछा जा रहा है 6 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर तो वी विल राइट 6 times 9. ओके, तो आई होप आपको लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट डिजिट समझ में आ गए होंगे. कितना भी डिजिट का पूछा जाए स्मॉलेस्ट में हम 1 और उसके बाद जितना भी डिजिट पूछा जा रहा है उससे 1 लेस. अगर 5 पूछा है तो 1 एंड 5 जीरोस पुट ऑन करेंगे, अगर हम सॉरी 4 जीरोस पुट ऑन करेंगे. अगर हमसे 2 डिजिट का पूछा है तो 10, 3 डिजिट का पूछा है तो 100, 4 डिजिट का पूछा है तो 1000, 5 डिजिट का पूछा है तो 10000. जहां से भी वो 5 डिजिट 4 डिजिट स्टार्ट होती है वहां वो होता है हमारा स्मॉलेस्ट नंबर. ठीक है, अब हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट क्वेश्चन है द लार्जेस्ट 7 डिजिट नंबर. अब आपको लिखना है, क्वेश्चन 1 है आपका लार्जेस्ट 7 डिजिट नंबर. अब अभी आप लोगों ने देखा कि जो लार्जेस्ट नंबर है उसके लिए हमें क्या करना है, हमसे पूछा है 7 डिजिट का, तो 7 डिजिट मीन 7 times 9. That is the largest 7 digit number. Okay. Then question B. Look at this. The smallest 8 digit number. अब हमें ये करना है question number 2. The smallest 8 digit number. अब हमें 8 डिजिट नंबर लिखने के लिए क्या करना है, 8 डिजिट नंबर वहां पे जहां पे 7 डिजिट खत्म होती है और 8 डिजिट स्टार्ट होती है. तो 8 डिजिट कहां से स्टार्ट होगी, 1 एंड 7 टाइम्स 0. ओके,
दैट इज द 8 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8 दैट इज द 8 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर. अब 8 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर क्या होता है, हम 8 टाइम 9 को लिख देते दैट वुड बी द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 8 डिजिट. ओके क्वेश्चन नंबर सी, जस्ट लुक एट क्वेश्चन नंबर सी, दैट इज द स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर हैविंग 3 डिफरेंट डिजिट. अब ये जो आपका क्वेश्चन है इसमें आपसे पूछा हुआ है कि आपको स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर लिखना है. स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर यूजिंग 3 डिफरेंट डिजिट्स. ओके अब इसमें आपको डिफरेंट डिजिट्स को यूज करते हुए आपको लिखना है 7 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर. तो आप हमारे पास स्मॉलेस्ट है तो 1 डिजिट तो हमारे पास ऑलरेडी 1 है, दूसरी डिजिट ऑलरेडी 0 है, एक नेक्स्ट डिजिट जो हम ले लेते हैं, लेट दैट डिफरेंट डिजिट 2. डिफरेंट डिजिट हमारी क्या है, 2 है. हमने 1 था 0 था, हमने एक नेक्स्ट डिजिट ले ली है दैट इज 2. ओके तो अब हम क्या करेंगे, इसको हम लिखेंगे 7 डिजिट का जो स्मॉलेस्ट नंबर है उसको कैसे लिखेंगे. 7 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर मीन्स 1 एंड 6 टाइम 0. तो सबसे पहले तो 7 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर लिखते हैं, ठीक है. 7 7 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर हम देखते हैं तो ये क्या होगा, 1 एंड 6 टाइम 0. ओके दैट इज द 7 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर. वी विल पुट कॉमास 1 हियर एंड ओके सो दैट इज द 7 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर. अब हमें इसको लिखना है यूजिंग 3 डिफरेंट डिजिट्स. ओके सो वी हैव ऑलरेडी 1 डिजिट 1 एंड 1 डिजिट इज 0. सो वी विल राइट 1 देन 0 देन 00 देन 00 एंड यहाँ पे जो लास्ट वाला 0 है इसके प्लेस पे हम लिख देंगे 2. सो दैट इज द नंबर ऑफ 7 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर विच हैव 3 डिफरेंट डिजिट. डिफरेंट डिजिट्स आर 1 0 एंड 2.